हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फूडीफाई दी ऑफिशियल में। मैं पूनम आज आप सभी के लिए लेके आई हूँ लौकी की मसालेदार लाजवाब और स्वादिष्ट सब्जी। जब हम प्लेन लौकी बनाते हैं तो घर में उसे कई बार खाना पसंद नहीं करते हैं, खासकर बच्चों तो। लेकिन लौकी हमारे हेल्थ के लिए काफी अच्छा होता है, इसलिए इसे इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं। तो बनाएंगे लौकी को इस तरीके से, जिससे बनेंगे स्वादिष्ट और हेल्थ के लिए परफेक्ट। और यकीन मानिए, इस तरह से बने सब्जी को खाने से कोई भी मना नहीं कर सकता है। तो चलिए बनाते हैं इस स्वादिष्ट और लाजवाब सब्जी को आसान और सरल तरीकों से। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो डालूं उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। इस सब्जी को बनाने के लिए हमें चाहिए लौकी, या हम ऐसे लौकी को लेंगे जिसमें बीज ना हो। लौकी को छील कर इसे मीडियम साइज में कट कर लेंगे। कटे हुए लौकी के अलावा हमें चाहिए 2 प्याज बारीक कटे हुए और 2 टमाटर वो भी बारीक कटे हुए। सबसे पहले हम कटे हुए लौकी को कुकर में उबालेंगे। कुकर में लौकी डालने के बाद साथ में इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और नमक। इन सभी को मिला लेने के बाद इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। पानी डालने के बाद कुकर को बंद कर देंगे और कुकर जब 1 सीटी दे और जब 2 सीटी वो देने लगे तो हम कुकर की गैस को बंद कर देंगे। कुकर जब तक ठंडी हो रही है तब तक हम सब्जी के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाला बनाने के लिए कढ़ाई में 2 चम्मच सरसों तेल ले लिया है। तेल जब गर्म हो जाए तो इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जीरा, 2 खड़ी लाल मिर्च और 2 तेज पत्ता। इन सभी को 1 से 2 बार हम चला लेंगे, जिनसे कि ये सब भुना जाए। इन सभी के भून जाने के बाद इसमें डालेंगे 2 प्याज बारीक कटे हुए। प्याज को हमें मीडियम फ्लेम पर तब तक भूनेंगे जब तक कि प्याज भून जाने पर सुनहरा रंग का ना हो जाए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम के साथ साथ सोशल मीडिया के बाकी प्लेटफॉर्म पर फॉलो करें, सभी के लिंक नीचे दिए हुए हैं। प्याज के भून जाने पर इसमें डालेंगे 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक के पेस्ट को डालने के बाद इन सभी को अच्छे से हम भून लेंगे, जिनसे कि लहसुन अदरक का कसेलापन निकल जाए। प्याज लहसुन और अदरक के पेस्ट को अच्छे से भून जाने के बाद अब इसमें डालेंगे 2 टमाटर बारीक कटे हुए और नमक स्वाद अनुसार। टमाटर के साथ नमक डालने से टमाटर जल्दी पक जाते हैं। इन सभी को अच्छे से भून लेंगे और जब टमाटर अच्छे से पक जाए तो इसमें डालेंगे 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून गर्म मसाला। इन सभी सूखे मसाले को डालने के बाद इन सभी को 1 से 2 मिनट के लिए हम भून लेंगे, जिनसे कि इन सभी मसाले का कच्चापन ना रहे। इन सभी को हमने अच्छे से भून लिया है और आप देख सकते हैं कि मसाले भूनते भूनते इनमें से ऑयल भी सेपरेट होने लगा है। इधर हमारी कुकर भी ठंडी हो चुकी है और हमने उबले हुए लौकी को अलग बर्तन में निकाल लिया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस सब्जी के लिए हमारी लौकी परफेक्ट उबली हुई है। अब हमें इन उबले हुए लौकी को भुने हुए मसाले में डाल देंगे। लौकी को भुने हुए मसाले के साथ अच्छे से मिला लेंगे और इसे ऐसे ही 1 से 2 मिनट तक चला लेंगे, जिनसे कि लौकी और मसाले एक दूसरे में अच्छे से मिल जाए। एक से दो मिनट तक इन सभी को चला लेने के बाद अब इसमें डालेंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को इसमें डालने के बाद इसे चला लेंगे और 2 मिनट के लिए इसे हम ढक के पका देंगे, ताकि लौकी में सभी मसालों का स्वाद आ जाए। 2 मिनट ढककर पकाने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारी सब्जी अच्छे से पक चुकी है और साथ में इसमें मौजूद पानी भी सूख चुकी है।
इसे एक से दो बार हम चला लेंगे। अब हमारी सब्जी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है और साथ में दिख भी रहे हैं काफी खूबसूरत, और दिखने में जितने खूबसूरत लग रहे हैं स्वाद में भी काफी टेस्टी और लाजवाब हैं। तो आप इस लाजवाब सब्जी को इस तरीके से जरूर बनाएं और सर्व करें अपने लंच और डिनर में। इस सब्जी को हर कोई बड़े ही चाव से खाएगा और साथ में हर कोई उंगली चाटते रह जाएंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को भी लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फूडीफाई दी ऑफिशियल के अगले वीडियो में एक शानदार और चटपटी रेसिपी के साथ। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी कर लें और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें, चैनल को यूं ही सपोर्ट करें। थैंक यू।